देश में प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। फुटकर मार्केट में प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं इस बीच बिचौलियों द्वारा प्याज के कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। इसी को लेकर आज मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने टीम के साथ मझोला मंडी में छापा मार और प्याज के आढ़तियों से पूछताछ की। वहीं उन्होंने कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। यही नहीं बल्कि प्रशासन के तेवर देख आज मंडी में प्याज 60 रुपए किलो बेची गई है। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मंडी से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग ज्यादा दाम वसूल रहे हैं, इसीलिए आज आढ़तियों से बात की गई है, जिसमें अधिक दाम वसूलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं मंडी में स्टॉल लगवाकर प्याज बेची जा रही है, अगर कोई भी कोई ज्यादा वसूली करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की तरफ से जो पहला प्रयास पहले भी किया गया था, स्टॉक लिमिट तय किया गया था, उसमें संशोधन करते हुए अभी 25 MT कर दिया गया है। 25 MT थोक व्यापारियों के लिए और जो फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए 5 MT का किया गया है, यानी कि 250 क्विंटल और 5 क्विंटल 50 क्विंटल 50 क्विंटल ये स्टॉक लिमिट होगा। तो आज हमने यहाँ मुरादाबाद मंडी में जो भी प्याज के होलसेलर्स हैं उनकी मंडी में मैंने जाँच की है स्टॉक लिमिट की। यहाँ 6-7 होलसेलर हैं जो इस काम को कर रहे हैं, सभी के पास स्टॉक लिमिट में ही पाया गया है। ये एक ट्रक आपके सामने खड़ी दिखाई दे रही है और जैसे सभी ने ये बताया कि अलवर से हमारे पास प्याज आ रहा है और एक ट्रक हम मंगवाते हैं, जब बिक जाता है फिर दूसरा ट्रक मेरे पास आ जाता है और शाम में करीब इनका लोड होता है और सुबह सुबह यहाँ चला आता है। तो आवक की समस्या मुख्तया यहाँ नहीं है और जो मैंने रेट देखा है होलसेल में बहुत छोटे छोटे प्याज 50 रुपये किलो भी मिल जा रहे हैं और नॉर्मल प्याज 60 से 70 क्वालिटी वाइज थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहा है। और मंडी में मैंने यहाँ खुदरा रेट पूछा है, जो बेच रहे हैं 90 रुपये किलो बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ खुदरे व्यापारी जो ठेला पे बेचते हैं कॉलोनियों में घर घर तक पहुँचा रहे हैं, उनके द्वारा 100 से 120 रुपये लेने की शिकायत की जा रही है। तो मेरा DM सर को से हम आज अपनी रिपोर्ट देंगे और बात करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि खुदरा व्यापारी जो हैं ठेले वाले हैं कुछ उनको कंट्रोल किया जाए कि ये 100 से 120 न ले, अपना मार्जिन कम से कम रखे ताकि पब्लिक को राहत मिल सके। सर स्टॉक भी आपके द्वारा चेक किया है, क्या लगा कि कोई कमी मिली है आपको यहाँ? नहीं, यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ हमने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि आप अपनी आवक को लगातार बनाए रखेंगे ताकि प्याज की किल्लत किसी तरीके से ना हो और इन लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग लगातार प्याज का स्टॉक बनाए रखेंगे। सर क्या प्रशासन की तरफ से कोई मतलब सस्ते दामों में जो है व्यापारियों से कहा गया कि गेट पर भी या 80 दरों पर प्याज दी जा रही है, क्या उससे क्या लगता है कि और जगह भी इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो रेट बढ़ रहे हैं क्या जगह जगह स्टॉल होने चाहिए? निश्चित तौर पर इस तरह का स्टॉल की संख्या बढ़नी चाहिए और यहाँ इन होलसेलर्स के सहयोग से मंडी के गेट पे भी व्यवस्था किया गया है जिसमें पर व्यक्ति एक व्यक्ति को 1 kg प्याज 60 रुपया आज की डेट में दिया जा रहा है KG। तो ऐसा प्रयास हम चाहेंगे कि कुछ और सेंटर इसके खोले जाएं, कुछ और जगह भी खोले जाएं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।